गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समर्थ नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतो द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान।